अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सारे मेरे YouTube फैमिली के? चले जी, हम रमज़ान में आज कुछ और स्पेशल बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं। सब लोगों की बड़ी डिमांड है कि भाई कुछ अच्छा सा बनाइए, तो आज हम कोरमा बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1.25 किलो मटन चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके और इसको रखा हुआ है। और ये मैंने 250 ग्राम प्याज ली है, इसको भी अच्छे से फ्राई करके क्रश करके रख दिया है। और ये 200 ग्राम मैंने दही ली है, इसको भी अच्छे से फैट के रख दिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और हमारे गरम मसाले इस तरीके से हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है, 7-8 ये हैं हरी इलायची, 1 है ये बादियान का फूल, 1 है जावित्री का फूल, और 5 से 7 हैं लौंग, और 4 से 5 हैं ये काली मिर्च। और हमारे ड्राई मसाले वो इस तरीके से हैं, ये 1/4 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच नमक है, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है। चलिए जी, और हमने करीब 200 ग्राम ऑयल लिया है, तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए जी, हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने 200 ग्राम सरसों का तेल डाला है, और हमने थोड़ी देर पहले इसको थोड़ा सा गर्म होने रख दिया था, तो तेल हमारा थोड़ा सा हमने इसको पका के छोड़ दिया था, लेकिन हम इसको फिर से गर्म कर रहे हैं। और इसमें हम अपने पहले सारे बिस्मिल्लाह करते हैं मसाले डालते हैं सारे। मसाले हमारे थोड़े से तेल में होंगे, अब इसमें हम अपना चिकन डाले दे रहे हैं। ये हमारा 1.25 किलो चिकन है। अब अच्छे से हम चिकन को कलर चेंज होने तक चिकन को हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो देखिए, चिकन हमारा इन्हें कलर चेंज कर दिया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं अपना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी इसको भूनते हैं 2-3 मिनट के लिए, तब तक इसका कच्चापन दूर होने के लिए। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम अपनी दही डालते हैं। अब दही डाल के भी 5 मिनट के लिए भूनते हैं दही के साथ भी इसको। देखिए, दही डाल के भी हमारी काफ़ी देर हो गई है और दही भी हमारी अच्छे से बॉयल भी आ गया, और दही में भी हमारे अच्छे से हमारा चिकन बन गया है। अब इसमें हम अपने सारे मसालों को डालते हैं, और इसमें 1/2 प्याज अभी हम साथ में डाल देते हैं, और 1/2 प्याज को बचा के रखते हैं। इसको हम अभी जब ये 1/2 बन जाएगा उसके बाद फिर हम 1/2 प्याज को डालें।
हल्दी वैसे मैं कोरमे में कभी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड कोरमा पसंद नहीं है तो आप डाल सकती हैं, लेकिन मैं कोरमे में या हमेशा मैं जितनी भी मटन या चिकन में मैं हमेशा जो है वो कम डालती हूँ थोड़ा सा हल्दी। वो आपकी मर्ज़ी है, हल्दी ऑयल और नमक मिर्च ये तो आप अपनी मर्ज़ी से खैर कर सकते हो, आपको कितना कैसा पसंद है, मतलब कितना ऑयल पसंद है कोरमे में कितना क्या है वो तो आप अपनी मर्ज़ी, देखिए हर इंसान की अपनी पसंद है, अपनी सेहत है, हर इंसान किस तरह के कितना ऑयल वाला खाना पसंद करता है वो तो आप अपनी मर्ज़ी से आप देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत आसान सा बनने वाला कोरमा है, झटपट आप अफ्तार के बाद, चाहे आप अफ्तार के से पहले आप बना के रख लें और आप सहरी में भी आराम से खा सकते हैं, अफ्तार के बाद अगर खाना जिन लोग खाते हैं तो भी आसानी से है, बहुत फटाफट बनने वाला है। देखिए हमारा अच्छे से मसाला पूरा हमारा भुन गया है, और देखिए अगर आप स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं, नॉन स्टिक में तो आप फिर भी अगर स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप गैस का ख्याल रखें, आँच का मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें कि खाना लग ना जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं गलने के लिए, ये बस कोई 50 ग्राम पानी है जो हम डाल रहे हैं, और हमने आधी प्याज बचाई है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा और बॉयल आ जाएगा, थोड़ा सा साथ पका हो जाएगा ये, तब इसमें हम फिर डालेंगे। अब इसके ढक्कन लगाते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए बस पकने रखते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमने बीच में इसको चला लिया था, और देखिए हमने हल्की गैस पे बनाया है तो हमारा बिल्कुल भी नीचे चिकन देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गला है, और हमारी बाकी जो बची प्याज थी उसको भी हम डालने दे रहे हैं। फिर थोड़ी सी गैस को तेज़ करते हैं और इसे 5-10 मिनट के लिए और दम लगाते हैं इसको। अगर आपको थोड़ा सा अगर ये गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें हम थोड़ा सा इसमें 100 ग्राम पानी हम और डाले दे रहे हैं कि भी हमारी प्याज पड़ी है उससे भी थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। तो ये पकने के बाद बिल्कुल हमें ये इसकी माशाल्लाह ग्रेवी, अभी तो ये इसमें ये पड़ी है प्याज पड़ी है, तो प्याज डाल के और फिर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पकाते और फिर आप लोगों को दिखाते। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और मैं आपको चला के दिखाई दे रही हूँ, माशाल्लाह हमारा कोरमा बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी ग्रेवी, बहुत ही ग्रेवी, देखिए जैसी एकदम ग्रेवी होनी चाहिए कोरमे की उसी तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो उसको ना डालें। तो हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है, अब बस को गैस को ऑफ करते हैं और थोड़ी देर में आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा कोरमा बनके तैयार हो गया है और अब उसको हम सर्व कर रहे हैं। देखिए हमारा कोरमा बनके तैयार हो गया है, उसके हम सर्व कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह आखिरी अशरा चल रहा है, तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा और अपनी फैमिली के लिए, अल्लाह आप लोगों की नमाज़ें कबूल फरमाए, अल्लाह आपके रोज़े कबूल फरमाए, आपकी सब दुआएं कबूल फरमाए। देखिए हम खाने वाले हैं इसको नान के साथ, तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।